सत श्री अकाल दोस्तों, वादे के मुताबिक फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टोन के साथ। ये टोन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये तुम्बी का साउंड है सर। हमारे पंजाब में ये ज़्यादा प्ले होता है। इसको असेंबल करने में मुझे थोड़ी सी मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये सिंगल पैच ये सैम्पल साउंड से लिया गया है। ये आप रोलैंड की वेबसाइट से इसको सैम्पल साउंड को ले सकते हो, जूनो डी सॉफ्टवेयर या जूनो डी एस सॉफ्टवेयर की मदद से। इसको बजाने में थोड़ी दिक्कत इसलिए होती थी क्योंकि ये प्लक इंस्ट्रूमेंट है, लाइव में ये बजाना थोड़ा सा कठिन होता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें फ्यूजन डाला है। तो इसको अभी आप फास्ट बीट पे भी प्ले कर सकते हो। फिंगर्स में थोड़ी सी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इजी हो गई है। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट मैंने इसमें मिक्स किया है, वो प्रीसेट साउंड से ही है, 1341 डिस्टॉर्शन फिंगर, ये कोई गिटार टाइप साउंड है, तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हो प्रीसेट पैच में ये 1341 डिस्टॉर्शन फिंगर गिटार टाइप साउंड है ये, तो इसको लिया गया है। तो आपने इसका लेवल जो रखना है जी 90 रखना है। तो तुम्बी का साउंड का भी साथ में लेके चलते हैं जी। ये तुम्बी का साउंड है, ये सैम्पल साउंड है जी। तो इसका लेवल 95 रखा गया है, ऊपर डिस्टॉर्शन का 90 रखा गया है। तो MFX 1341 का रखा गया था, 1 रखा है, तुम्बी साउंड का MFX 2 रखा गया है। तो पार्ट 1 में 90 रखा है, तो पार्ट 2 में तुम्बी साउंड का 95 रखा गया है। कोर्स 127 दोनों का, तो रिवर्ब भी दोनों का 84 रखा गया है। तो इसको मोनो कर दिया गया है जी। तो पार्ट 1 साउंड को ऑटोमेंटो यूज़ किया गया है, ऑटोमेंटो ऑन करके इसका टाइम जो रखना है 4 रख दीजिए। इसका जो कीज के की रेंज रखना है वो G3 से लेके G9 तक रखा गया है। आगे रिसेंस में +7 कर दीजिए पार्ट 1 में, अटैक +2 कर दीजिए, पार्ट 2 का +1 कर दीजिए। और रेट पार्ट 1 का +6, डेफ +3, पार्ट 2 का +4, और डिले पार्ट 1 का 3 रखा गया है। ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ जी। तो अभी पैच एडिट में जाके देखते हैं जी हमने क्या इसमें की है सेटिंग्स। पहले मैं तुम्बी साउंड में आ जाता हूँ जी, इसमें सैम्पल एडिट जी नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं की है मैंने, ये एज इट इज ही रखा गया है। जैसे रोलैंड की वेबसाइट के ऊपर राज वाला साउंड है, साउंड का बैकअप है, उसमें से ये लिया गया है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं जी। अभी जो मैंने सेव किया हुआ साउंड है पार्ट 1 में, इसमें देख लेते हैं जी। इसको पैच एडिट में पार्ट 1 को क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। कुछ खास चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स, इसका जो पैच लेवल है वो 120 कर दिया गया है। तो एनालॉग फील 8 था, इसको मोनो कर दिया है और लेगेटोरी ट्रिगर ऑन कर दिया है, दैट्स इट। उसके बाद इफेक्ट एडिट में आ जाइए आप। तो MFX 1 में एनालॉग डिले रखा गया है जी, तो डिले टाइम इसका 400 मिलीसेकंड्स है। तो एक्सेलरेशन इसका 10 है, फीडबैक इसका +40 रखा गया है, लो गेन +3, हाई गेन +7, बैलेंस इसका 50-50 रखा गया है, लेवल इसका 110 कर दिया गया है, आउटपुट लेवल भी 110 कर दिया गया है।
कोर्स सेंड लेवल इसका 70 है और रिवर्स सेंड लेवल इसका 50 है। इफेक्ट्स टू में हमने क्या किया है, स्पेक्ट्रम यूज़ किया है कि तुम्बी साउंड है, थोड़ा सा हल्का सा शार्प होना चाहिए, तो इसको पंच लेवल जैसे बोलते हैं उस टाइप से तैयार किया गया है। प्लस सिक्स इसका बैंड वन रख दीजिए और बैंड सेवन में प्लस एट कर दीजिए। लेवल और आउटपुट लेवल दोनों 100 रखा गया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है अभी। अब इफेक्ट्स थ्री में अपने मैंने कॉर्डर सेंड किए हुए हैं जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, तो उसके बाद कोर्स में आ जाइए आप। इसमें डिले रखा हुआ है जी स्क्रीन पे, आप जैसे देख रहे हो 1/80, 1/40, 1/4 इसका सेंटर फीडबैक प्लस 30 रखा गया है, बाईपास 127 मेन डिले लेवल 40 है। तो ऐसे ही लास्ट सेक्शन है जो रिवर्ब ऑल टू रखा गया है, टाइम 90 रख दिया गया है, तो डिले फीडबैक 30 है, रिवर्ब 50 है। तो आई थिंक ये आपका साउंड तैयार है जी, वो इसको आप बजाइए, बहुत ही इजी बजेगा, मैं फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स ये तैयार है, थैंक यू सो मच।